ये क्वेश्चन लाइट वेव से लिया गया है। जब दो सोर्स को आप ऐड करते हैं, जैसे दो सोर्स है S1 एंड S2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है। जैसे इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो एक रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होती है उसकी फार्मूला होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 और cos φ। इसको फेज बोलते हैं या फेज डिफरेंस भी बोलते हैं। तो सवाल में आपको दिया हुआ है, एक दूसरा दिया हुआ है जीरो फेज दिया हुआ है, एक में π/2 दिया हुआ है, एक जगह पाई दिया हुआ है। I1 आपको दिया हुआ है और फिर I2 आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है रिजल्टेंट। तो तीन को रिजल्टेंट दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, उसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला है कि पहले I1 इज इक्वल टू जो है वो 2i है, और I2 जो है वो आपको 8i है, क्लियर। और जो फाई है, पहले 0 डिग्री लिया गया है, तो जो IR है वो हो गया आपको 2i प्लस 8i प्लस 2 इंटू 2i इंटू 8i cos 0। तो यह होगा क्या, IR इज इक्वल टू 2i प्लस 8i प्लस 2, और ये हो गया 16। तो 16 का रूट 4 हो जाएगा और i इंटू i स्क्वायर, तो i आ जाएगा, यानी कह रहे हैं 4i आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, ये हो गया 10 और ये हो गया आपको 18 हो गया। पहला जो आया है वो 18i आया है, तो यही ऑप्शन होगा, आगे चलकर और सोल्व करेंगे। तो आई जो आर है वो फर्स्ट, पहला जो है वो हो जाएगा 18i। अब है कि फाई इज इक्वल टू π/2 पे, तो आई आर नेक्स्ट वाला निकालते हैं, 2i प्लस 8i प्लस 2 रूट अंडर 2i इंटू 8i कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये ओवरऑल सब 0 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 10i। तो i जो r आया वो मिला आपको 10i, ये हो गया 10i। तो यहाँ पर 10i भी है, 18i, तो यही आंसर होगा। अब निकालते हैं क्या कि फाई इज इक्वल टू पाई, मतलब कि 180 डिग्री जिसको आप बोलते हैं, तो आई आर इज इक्वल टू 2i प्लस 8i प्लस 2 2i इंटू 8i कॉस कितना 180 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आएगा 2i प्लस 8i प्लस 2 इंटू 4i -1। यहाँ पर क्या हो गया, 2i प्लस 8i माइनस 8i, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 2i। तो आई आर इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 2i। तो एक में आया है, एक में आया 18i, 10i और 2i। तो आंसर जो होगा, जो रिजल्टेंट इसके जो शो करेंगे वो करेंगे 18i, 10i और 2i, यही होगा आंसर। तो ऑप्शन हो गया ए, क्लियर।